पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महापौर कैंप कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महापौर विनोद अग्रवाल ने की। आयोजित बैठक में मुरादाबाद के विकास को लेकर अधिकारियों से बातचीत की गई, तो वहीं शहर में चल रहे विकास के कार्यों पर भी सभी को दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान महापौर विनोद अग्रवाल ने भी सभी को आदेशित किया कि जल्दी ही टेंडर खोले जाएं, तो वहीं कहा गया कि सभी कार्य जल्द पूरे किए जाएं। आयोजित बैठक में आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 को लेकर भी चर्चा की गई। महापौर विनोद अग्रवाल ने रुकी हुई फाइलों को पास कराने के आदेश दिए, साथ ही रुके हुए भुगतान को भी जल्द अदा करने का आदेश दिया। आयोजित बैठक में अपर नगर आयुक्त महा प्रबंधक जल, उपनगर आयुक्त, चीफ इंजीनियर जेई के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सात दिन का डाल दो तो ये 14 तारीख हो गई ऑटोमेटिक। वो चलो वो पुरानी बात है, मैं कह रहा हूँ जब देना बिल्कुल बेसिकली बातचीत है, वो कि सात ही दिन पर डाल दिए, ये नहीं कि फिर एक महीना का नहीं। अब तो नहीं है ना, अब तो नहीं है ना, अब सेकंड टाइम होगा तो फिर कब हो जाएगा। बैठे हैं आप तो सारे आपके साथ ही, वो फिर इक्कीस दिन, फिर इक्कीस दिन, ये जो देखो आप और आपकी उपस्थिति उनको लिखा है कि 12-11-18 को 14 वित्त आयोग के प्रस्तावित निर्माण विकास कार्य हेतु 15 दिवस में निविदाएं आमंत्रित वेबसाइट पर अपलोड न होने से निर्माण विभाग की शिथिलता दृष्टिगोचर होती है, अभी प्रतीत होती है। इसमें जो प्रोसीडिंग है वो काफी लेट प्रस्तुत हो पाएगा, हमें मतलब नहीं पड़ी हुई है। जिलाधिकारी जो है इस समय वो उसके मेंबर थे, उनके साइन 12-11 के हैं,